ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय। तीस मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ सिर्फ लेंगे नहीं, एक इतिहास भी बनाएंगे। लगातार दूसरी बार इतने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने वाले मोदी पहले नेता होंगे। बीजेपी की इस प्रचंड जीत का सपना देखा था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिनकी अगुवाई में 1996 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी। बहुमत का आंकड़ा पार न कर पाने की वजह से अटल सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई थी। तब कांग्रेसी खेमे ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाई थी। तभी अटल जी ने कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हैं, आने वाले वक्त में लोग आप पर हंसेंगे। अटल जी ने 23 साल पहले जो बात कही थी वो जैसे आज के लिए भविष्यवाणी हो। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और कांग्रेस सियासत के हाशिए पर चली गई है, जहां उसे नेता विपक्ष पद पाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में अटल जी के लिए विशेष स्थान है। अटल जी का सपना पूरा होने के बाद वो शपथ से पहले अटल समाधि पर जाएंगे। उन्होंने अटल समाधि पर जाने के लिए अपनी पार्टी के सभी सांसदों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ लेने से पहले 30 मई की सुबह सबसे पहले राजघाट बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद बीजेपी के तमाम सांसदों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचने वाले हैं। यहां पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो शहीद सैनिकों के स्मारक यानी वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे इंडिया गेट परिसर में, और इसके बाद सरकार अपने नए कामकाज में यानी सबसे पहला काम शपथ ग्रहण की तैयारियां करेंगी। पिछले शनिवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी बरबस याद आए। कोई एक दल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। आज इस सभागृह में उनकी तस्वीर हमें आशीर्वाद दे रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी की अगुवाई में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी। तब मोदी ने संसद भवन की सीढ़ियों पर अपना माथा झुकाया था। संसदीय दल की बैठक में अटल जी को याद करके मोदी भावुक हो गए। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। 2 सीटों से इस प्रचंड बहुमत तक अगर बीजेपी आज पहुंची है तो इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पिछले 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया, पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल जी की अंतिम यात्रा में बीजेपी दफ्तर से अटल समाधि तक पैदल गए थे। मोदी कल दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन शपथ से पहले सुबह ही मोदी अटल समाधि पर जाएंगे, अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। अटल समाधि पर माथा टेकने के बाद शाम को 7 बजे मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे।